मेरी शादी 2018 को शहजादी मंडी में रहने वाले दानिश से हुई थी, जो पैराडाइज गारमेंट्स है उनकी शॉप का नाम। इन लोगों ने मेरे साथ शुरू से ही बहुत बुरा किया, मुझे माँ पे पीटते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे, 25 लाख रुपए मांग कर रहे थे। फिर भी जब उसके बाद भी जब मेरे पापा ने कह दिया कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो थोड़ा रखने लगे। जब मेरी पहली बेटी हुई तब मुझे घर से निकाल दिया गया, 7 महीने तक मुझे कोई लेने नहीं आया। फिर समाज के जो लोग हैं उन लोगों ने पंचायत वगैरह करके मुझे वहाँ भेजा, जो जिसमें हाजी निसार और हाजी परवेज और फहीम ये सब लोग थे, और उन्होंने वहाँ मुझे भेजा। लेकिन उसके बाद कोई बाद में आके मुझे देखा तक नहीं कि वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। जब मेरी ये छोटी बेटी हुई तो इसको तो देखा भी नहीं, मुझे हॉस्पिटल से सीधा घर भेज दिया गया। 1 साल मैं अपने घर ही रुकी गई, लेने भी नहीं आए मुझे, तलाक की कहलवाते हैं। हमने FIR कराई थी, मुझे 14 तारीख को मार के घर से निकाल दिया गया था, 3 तलाक दे के हमने FIR कराई। वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर अब हमने यहाँ शिकायत की है तो सर ने बोला है कि उनकी गिरफ्तारी होगी। 3 तलाक किस तरह से दी गई आपको? 3 तलाक 3 बार कह के दी गई है सबके, उनके घर वालों के सामने, सबके सामने, और जो उनके रिश्तेदार हैं शहनाज वगैरह और तबस्सुम उन लोग के सामने दी गई है। वो भी बहुत मेरे साथ बुरा करते थे। 8 महीने से मुझे एक कमरे में बंद करके रखा गया था, मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया, खाना भी वॉश बेसिन पे देते थे रख के। इतनी नौबत आ गई थी कि पड़ोसियों से भीख तक मांगनी पड़ गई थी खाने के लिए। महिलाओं के लिए हम लड़ते हैं, आज उसी संदर्भ में हम, ये बच्ची है बेटी सुमैला और इनकी 2 बेटियां हैं, ये आप देख पा रहे हैं, वो छोटी सी खड़ी है मेरे साथ। इसके साथ सिर्फ उसका कसूर ये है कि उसके 2 बेटियां हो गई, पहली बेटी हुई उसके बाद उसके पति का व्यवहार बहुत चेंज हो गया। दूसरी तब उसको 7 महीने के लिए 8 महीने के लिए उसने घर भेज दिया था। अब दूसरी बेटी के बाद तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी, आप देख सकते हैं। क्या अकेले महिला ही बच्चा पैदा करने में, बेटा या बेटी को जन्म देने में उसका गुनाह होता है? उसको घर से निकाल रखा है, अब ये 2 बच्चियों के साथ कहाँ जाए, कैसे गुजर बसर हो, यही सारी शिकायतें। लेकिन उन्होंने थाने में कंप्लेंट की, IU विमलेश कुमार जी हैं वो अपराधी, उनके पास उनका उठना बैठना है। जब हमने कंप्लेंट की, ये सवाल इन लोगों ने किया, तो उन्होंने बोला आप तफ्तीश चेंज करा सकते हैं। तो यही शिकायत लेकर हम DCP साहब से मिले थे, DCP साहब ने फ़ोन भी किया है, आश्वासन दिया है और उनकी गिरफ्तारी का आदेश किया है। अगर हमें यकीन है कि उन्होंने ऐसा किया है, उसकी गिरफ्तारी होगी। अगर नहीं हुआ तो मैं बच्चों के साथ इन सबको लेके यही बैठ जाऊंगी आमरण अनशन पर, क्योंकि हमारा नारी के सम्मान बिना हर बदलाव अधूरा है। हमारी सरकार बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों के मान, बुजुर्गों के सम्मान की बात करती है, और अगर इन्हें सम्मान नहीं मिला, चाहे वो किसी भी जाति की हो, तो हम इनके साथ खड़े हैं, चाहे हमें जो लड़ाई लड़नी पड़े। आप उनसे खुद भी स्वयं भी बात कर सकते हैं।